हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, और हमें रेक्टेंगल की लेंथ लेंथ यानी के लंबाई 5.7 सेंटीमीटर गिवन है, और ब्रेथ ब्रेथ यानी के चौड़ाई 3 सेंटीमीटर गिवन है। हमने यहां पर आपको डायग्राम के थ्रू भी ये दिखाया है। देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ यानी के लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ यानी के चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमने लिखा L इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, L का मतलब है लेंथ। फिर हमने लिखा B इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B का मतलब है ब्रेथ। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, L का मतलब लेंथ और B का मतलब ब्रेथ। अब हमें लेंथ कितनी गिवन है? 5.7 सेंटीमीटर। तो यहां लेंथ की जगह हमने लिखा 5.7, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, और ब्रेथ हमें कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ की जगह हमने लिखा 3। अब हम 5.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो सबसे पहले हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो हमें मिलेगा 57 और अपॉन में 10 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राइट से चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज और ये 3 भी यहां पर एज इट इज आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में है 57 और यहां न्यूमरेटर में है 3, तो जब हम 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा 171। यहां डिनोमिनेटर में 10 है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो 10 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। तो अब हमें मिल गया है 171 अपॉन 10। अब हम 171 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में है 171, यहां तो कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है, और जब हम डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाते हैं तो ये डेसिमल यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाता है। तो यहां पर हमने 171 एज इट इज रखा और ये जो डेसिमल यहां पर था वो एक डिजिट शिफ्ट होकर यहां पर आ गया। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया है? 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो अगर वो एरिया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, अगर वो मीटर में है तो मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।